हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रेजी ज्ञान पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ रियलमी सी टू स्मार्टफोन की C.47 अपडेट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा यूज़र जो है मेरे को कमेंट कर रहे थे कि भाई यहाँ पर रियलमी सी टू में जो है एंड्रॉयड 10 की अपडेट का रिव्यू करके हमको बताओ। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को इसी अपडेट के बारे में थोड़ा बहुत बताने वाला हूँ, तो आप जो वीडियो एंड तक देखते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं मैं जो रियलमी सी टू डिवाइस का यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर अभी मैं इसमें एंड्रॉयड 10 की अपडेट का यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए एक बार मैं यहाँ से जो सेटिंग्स को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग्स जो ओपन हो चुकी है। चलिए मैं यहाँ से जो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। तो चलिए एक बार मैं यहाँ से आपको जो अबाउट फोन चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवाइस ने मारा रियलमी सी टू। चलिए अब मैं इसे यहाँ से बैक ले लेता हूँ। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ से जो सॉफ्टवेयर अपडेट है इसको चेक करवा देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर फ्रेंड्स आप ऊपर देख सकते हैं C.47 का वर्जन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और फ्रेंड्स, ये जो अपडेट थी इसकी साइज 2 GB के आसपास थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे यूजर्स ने जिन्होंने अपडेट किया था उन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था कि यहाँ पर भाई हमको जो अपडेट के बाद में कैमरा क्वालिटी में इश्यू देखने को मिल रहा है। तो हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जब मैंने इसकी कैमरा क्वालिटी चेक की थी रियलमी सी टू की, तो वहाँ पर जो कैमरे में कुछ इश्यूज़ जो है देखने को मिले थे। और उसी के साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर जब आप इसे यहाँ से स्क्रॉल अप करेंगे तो वहाँ पर डिवाइस में आपको कुछ जो स्मूथनेस देखने को मिलती है जो, लेकिन अपडेट करने के बाद जैसे आप इसे यहाँ से स्क्रॉल अप करते हैं और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो वहाँ पर आपको जो स्मूथनेस देखने को मिल जाती है जो कि पहले आपको देखने को नहीं मिलती थी। और इसी के साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बैटरी जब मैंने इसकी फुल चार्ज की तो फुल चार्ज में कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जो पहले सिंपल चार्जिंग में टाइम लगता था वही चार्जिंग में टाइम इसमें लगा था। और इसी के साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा बहुत हीटिंग का इश्यू मेरे को जो है रियलमी सी टू में देखने को मिला था। और इसी के साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर जब आप इसमें गेमिंग प्ले करते हैं रियलमी सी टू में क्लैश ऑफ क्लैंस वगैरह जैसे भारी गेम्स आप इसमें प्ले करते हैं तभी आपको बाई चांस इसमें जो लैगिंग का इश्यू देखने को मिलता है। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर रियलमी सी टू एक बजट डिवाइस है, उसमें यहाँ पर जब एंड्रॉइड 10 की अपडेट आ गई है तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका जो सॉफ्टवेयर है थोड़ा बहुत हैवी हो चुका है, इसलिए यहाँ पर आपको थोड़े लैगिंग के इश्यूज वगैरह देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इतने भी ज्यादा इश्यूज इस अपडेट में नहीं है जैसा कि मैंने इसको यूज किया है। इसी के साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर अपडेट करने के बाद आप अपने डिवाइस में फेस लॉक यूज करते हैं तो वहां पर जब आप डिवाइस को अनलॉक करते हैं फेस का यूज करते टाइम पर तो वहां पर आपको जो पहले से ज्यादा टाइम वहां पर देखने को मिलता है। क्योंकि फ्रेंड्स, यहां पर जो डिवाइस का सॉफ्टवेयर हैवी हो चुका है तो इसे वर्क करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए वहाँ पर जो कुछ 3-4 सेकंड्स का एक्स्ट्रा टाइम वहाँ पर लग जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये इश्यू जो है जल्दी ही फिक्स कर सकती है कंपनी। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बताया है डिवाइस अपडेट करने के बाद टोटली एंड्रॉयड 10 में जो है कन्वर्ट हो चुका। आप यहाँ से देख सकते हैं स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करेंगे कैसे भी आप डिवाइस को यूज़ करेंगे आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर होने वाली नहीं है। फ्रेंड्स, आराम से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही कुछ मेन चेंजेस थे इस अपडेट के। और इसी के साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अपने डिवाइस रियलमी सी टू में कोई भी इश्यू जो है देखने को मिल रहा है अपडेट के बाद में तो आप मुझे फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना और वहाँ पर मैसेज कर देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ साथ कमेंट भी कर दीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रेजी ज्ञान को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।